आईपीएल 2020 की नीलामी में बस अब कुछ ही समय बचा है और दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन 52 खिलाड़ियों के बारे में जिनका अब आईपीएल 2020 की नीलामी में प्रवेश करना पूरी तरह से तय हो चुका है। तो दोस्तों इन 52 खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट देखने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की बात करें तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आईपीएल 2020 की नीलामी में कुल 12 खिलाड़ियों का उतरना तय हुआ है, जो कि होंगे दोस्तों एक तो एरन फिंच, पैट कमिंस, डार्सी शॉट, मिचेल स्टार्क, ग्लेन मैक्सवेल, दोस्तों अगर वो वापसी करते हैं तभी, एडम जैम्पा, जोश हेजलवुड, नेथन लायन, उस्मान ख्वाजा, एलेक्स कैरे, क्रिस ग्रीन और साथ ही साथ जेम्स वॉकनर। दोस्तों यह 12 खिलाड़ी तो आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कन्फर्म्ड रूप में आईपीएल ऑक्शन में नजर आएंगे। हालांकि दोस्तों इनमें से और भी खिलाड़ी होने वाले हैं पर उनका नाम इस वक्त सामने नहीं आया है। दोस्तों अब अगर ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों की बात की जाए तो दोस्तों अभी तक के हिसाब से इंग्लैंड की तरफ से कुल 7 खिलाड़ियों का नाम आया है जो कि ऑक्शन में होने वाले हैं, जो कि होंगे दोस्तों एक तो जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, इयान मॉर्गन, क्रिस जॉर्डन, टॉम कुरन, क्रिस वॉक्स, आदिल रशीद और एक और खिलाड़ी का नाम है जो कि हो सकते हैं दोस्तों टॉम बेंटन। तो दोस्तों यह 8 खिलाड़ी हमको इंग्लैंड की तरफ से इस आईपीएल ऑक्शन में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों अब अगर इंग्लैंड के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ियों की बात की जाए तो दोस्तों हालांकि दोस्तों बांग्लादेश में से इन 5 खिलाड़ियों में से अब तक कोई भी आईपीएल नहीं खेला है, परंतु फिर भी यह 5 खिलाड़ी हमको आईपीएल 2020 के ऑक्शन का हिस्सा दिखने वाले हैं, जो कि होंगे दोस्तों एक तो तमीम इकबाल, मुशफिकुर रहीम, मुस्तफिजुर रहमान, लिटन दास और साथ ही साथ सौम्य सरकार। तो दोस्तों यह 5 खिलाड़ी बांग्लादेश के आईपीएल में उतरने वाले हैं, जो कि दोस्तों अब अगर बांग्लादेश के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की बात की जाए तो दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से भी हमको इस आईपीएल ऑक्शन में 5 खिलाड़ी दिखने वाले हैं, जो कि होंगे दोस्तों एक तो जेबी निशम जिनका बिकना पूरी तरह से तय लग रहा है, एक होंगे कोरी एंडरसन, दूसरे टॉम लेथम, उसके बाद रॉस टेलर और साथ ही साथ टिम साइफर्ट। तो दोस्तों यह 5 खिलाड़ी न्यूजीलैंड की तरफ से आईपीएल ऑक्शन में उतरने वाले हैं। तो दोस्तों अब अगर श्रीलंका की बात करें तो दोस्तों श्रीलंका की तरफ से अभी तक के हिसाब से हमको इस आईपीएल की ऑक्शन में कुल 4 खिलाड़ी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि होंगे दोस्तों एक तो निरोशन डिकवेला, कुसुल परेरा, कुसुल मेंडेस और साथ ही साथ एंजिलो मैथ्यूज। तो दोस्तों यह 4 खिलाड़ी श्रीलंका की तरफ से हमें दिखने वाले हैं। तो दोस्तों अब अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो दोस्तों साउथ अफ्रीका की तरफ से होने वाले हैं एक तो जेपी डोमिनी जो कि इस वक्त T20 लीग में बड़ी अच्छी फॉर्म में है, एक जूनियर डाला, एडन मरक्रम, डीन एल्गर और साथ ही साथ केशव महाराज। तो दोस्तों यह 5 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका की तरफ से होने वाले हैं। अब अगर अफगानिस्तान की टीम की भी बात की जाए तो दोस्तों अफगानिस्तान की टीम भी किसी से पीछे नहीं रहती है। अफगानिस्तान की तरफ से भी हमको कुल 3 खिलाड़ी कन्फर्म रूप में दिखने वाले हैं, जो कि होंगे दोस्तों एक तो हजरतुल्ला जजई, एक मोहम्मद शहजाद और साथ ही साथ गुलबदीन नईब। तो दोस्तों अब अगर वेस्ट इंडीज़ की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों पर दाव तो पूरे भर भर के लगते हैं। इस बार भी दोस्तों 6 खिलाड़ियों का नाम सामने आ चुका है, जो कि होंगे एक तो दोस्तों शेल्लन कॉटरेल, डैरेन ब्रावो, रॉस्टन चेज, शाई होप, फेबियन एलन और साथ ही साथ किमार रॉच। तो दोस्तों ये 6 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज का नेतृत्व करने वाले हैं। तो दोस्तों अब अगर अंत में भारतीय टीम की बात की जाए तो दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से डोमेस्टिक खिलाड़ी तो बहुत सारे होने वाले हैं, जिनका नाम सामने आना अभी तक तो असंभव सा है, परंतु दोस्तों अभी हम 5 खिलाड़ियों के बारे में आपको बताने वाले हैं। एक होंगे दोस्तों मनोज तिवारी, एक होंगे दोस्तों शाहरुख खान, दोस्तों ये बॉलीवुड वाले शाहरुख खान नहीं है, चेन्नई के इस वक्त के बड़ी जबरदस्त फॉर्म वाले ये बल्लेबाज है। एक होंगे दोस्तों यशवी जायसवाल, एक होंगे ईशान पौरेल जिनके ऊपर बड़ी तगड़ी बोली लगने वाली है, एक होने वाले हैं विष्णु विनोद। तो दोस्तों अभी तक के हिसाब से भारत की तरफ से इन 5 खिलाड़ियों का नाम आया है जो कि ऑक्शन में होने वाले हैं। तो दोस्तों यह थी 52 खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट जो हमको इस आईपीएल के ऑक्शन में अच्छी तरह से नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से
कौन सा खिलाड़ी इनमें से सबसे ज्यादा महंगा बिक सकता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।